नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के जिला अस्पताल में लड्डू का खेल। महीनों से गायब प्रसूता को दिए जाने वाला लड्डू, चाय से ब्रेड बिस्किट गायब, फल गायब, लड्डू गायब, मेनू अनुसार भोजन नहीं। जिला अस्पताल के अधिकारियों की मनमानी। आपको बता दें कि धार के जिला अस्पताल में प्रसूताओं को लड्डू दिया जाता रहा है, लेकिन उन्हें लड्डू नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रसूताओं को पौष्टिक आहार के रूप में लड्डू दिया जाना नियमित रूप से जिला अस्पताल में जरूरी है, किंतु धार के जिला अस्पताल में प्रसूताओं को मिलने वाला लड्डू नाश्ते से गायब है। चूंकि लड्डू एक पौष्टिक आहार है जिससे माताओं में पोषण की कमी नहीं होती, गरीब माताओं को घर में लड्डू नसीब नहीं होता, इसलिए सरकार ने मेवे से भरपूर लड्डू प्रसूताओं को सभी सरकारी अस्पताल में देने की व्यवस्था की गई थी, किंतु प्रसूताओं के लड्डू गाहे बगाहे ज्यादातर जिला अस्पताल में गायब ही रहते हैं। माँ स्वस्थ होगी तो उसके बच्चे स्वस्थ होंगे। मध्य प्रदेश शासन कुपोषण से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, किंतु धार जिले के बहुत चिकित्सालय में इस कुपोषण से निपटने के लिए माताओं के लिए जरूरी पोषक तत्व सरकार के द्वारा जो लड्डू दिया जा रहा है वह नहीं दिया जा रहा है। यह बात खुद RMO संजय जोशी, CMHO डॉक्टर सरल ने भी मानी है। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है वह आप खुद ही सुने। जिला अस्पताल के किचन में आपको बता दें लड्डू ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि चाय के साथ बिस्किट गायब है, फल गायब है, मेनू अनुसार भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। इस बात की चर्चा हमने जब सिविल सर्जन और CMHO से की तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को दिखवाते हैं। वही किचन में मेनू चार्ट भी नहीं लगा है जिसमें मरीजों को कब कहाँ भोजन दिया जाना है। यह चार्ट लगा होना जरूरी है, किंतु यह चार्ट ही जिला अस्पताल से गायब है। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। लड्डू नहीं दिया अभी तक? नहीं, अभी फ्रूट्स भी नहीं दिए? नहीं, केला सेब ऐसा कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। नाम बता दो, गांव का नाम बता। कुसुम। कहाँ से है? जामनिया से। खुले मेरे बस चाय। लड्डू मिले? लड्डू खाए? मेवे के लड्डू खाए थे क्या? नहीं खाए। नहीं मिले? नहीं। कब भर्ती हुई थी? परसों के रोज। लड्डू नहीं दिया आपको? नहीं, नहीं मिले। नाम वापस बताओ। आशा। लड्डू देते हैं? अभी नहीं दिया। लड्डू नहीं दिया? कहाँ से आई हो? ये हिम्मतगढ़ से। वापस नाम बता दो। शीला। कब डिलीवरी? लड्डू मिल रहा है? नहीं, लड्डू नहीं मिले। मेवे वाला लड्डू नहीं? नहीं नहीं, नहीं मिले। लड्डू दिया अभी तक? नहीं दिया। दिया ये जोर से बोलो। नहीं दिया। अच्छा, वापस नाम बता दो, कहाँ से आई हो? कविता जीरापुरा। लड़का हुआ या लड़की? चाय लेके आए, इसके साथ बिस्किट ब्रेड कुछ भी नहीं है? ठेकेदार सामान बिस्किट लाके दे दे ना मेरे को। कब से नहीं दे रहे हो आप ब्रेड बिस्किट? ये अभी इसी महीने से मिला है, उसको पैसे नहीं मिले तो वो ला नहीं रहे। कितने महीने से नहीं ला रहा? अभी इसी महीने से नहीं ला रहा। क्या नाम है तुम्हारा? राजू भैया। आप लोग लड्डू नहीं बनाती हो? खाने में क्या बन रहा है? आलू पालक और दाल रोटी। सभी पेशेंट को यही दिया जाएगा? सभी मरीजों को ये दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? आपको मिलने वाले जो लड्डू हैं वो काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहे हैं। डेफिनेटली इसमें हम लोग इमीडिएटली, मैं CMHO और SDM को भेज के इसको सुनिश्चित कराऊंगा, और सेकेंडली जिसकी भी लापरवाही होगी उसके अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो लेंगे। खतरा रहेगा नहीं सर, पर अभी लड्डू बट ही नहीं रहे हैं सर। हाँ, ये मेरे को इस संज्ञान में मेरे को कुछ कुछ पता नहीं है। कल मैं जाके सिविल सर्जन RMO से बात करूँगा क्यों नहीं बट रहे हैं, क्योंकि बजट तो पर्याप्त है और लड्डू बराबर प्रसूता को नहीं मिलेंगे तो उनकी शारीरिक हालत ख़राब हो जाएगी। वर्तमान में कुछ समय से लड्डू वितरण में समस्या आ रही है, जो जिसके द्वारा यहाँ सामग्री दी जाती है अस्पताल में, उनका कुछ पेमेंट को इश्यू था, उसको बार बार कहने के पश्चात भी उसने नहीं दिया है। कल CMHO सर से बात हुई थी, सिविल सर्जन से भी हुई थी, तो उसकी प्रक्रिया करके उसको शीघ्र पेमेंट करने की उन्होंने सिविल सर्जन द्वारा कहा गया है और लड्डू वितरण अब पूरा चालू हो जाएगा। अभी उन्होंने बोला है कि आज से शुरू किया है, और वो पहले से तो लड्डू बाज़ार से खरीद के देते थे ऐसा बोल रहे हैं, जब बाज़ार से ख़रीदने का कोई प्रावधान नहीं है। उसका पैसा जो है सरकार को, सरकार पैसा देती है
कि वो आपके सामने ही बनना चाहिए। सर वो किचन में जो महिलाओं हैं हमने उनसे बात की, उनको सिर्फ कोल्ड चाय दी जा रही है, ना फ्रूट्स है ना चाय के साथ ब्रेड बिस्किट कुछ है, क्या कहेंगे कि मतलब नहीं। मैं इसके बारे में जो मेनू है एक्चुअली में सिविल सर्जन को मेनू देखना चाहिए, जो गवर्नमेंट से मेनू प्रदाय है, जो बजट आता है NRHM रेगुलर का दोनों मिला के, ये जो मेन्यू के अनुसार चाय है, नाश्ता है, अंडे हैं, फल हैं, ये उनको चाय एक टाइम देना चाहिए और नाश्ते में अंडे या जो शाकाहारी है उसको फ्रूट्स और जो वैसा है उसको अंडे दे सकते हैं, और खाना दोनों टाइम उनको मिलना चाहिए समय से। मेन्यू में देख के बताऊँगा।